गुरुवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागपुर मेट्रो का कामकाज जल्द पूरा करने की मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रयोजन के जरिए नरखेड़, वर्धा, रामटेक और भंडारा इन शहरों को जोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में महामेट्रो द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपने की मंजूरी दे दी है। अनिल देशमुख इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। नागपुर मेट्रो के विस्तार और नरखेड़, वर्धा, रामटेक और भंडारा को जोड़ने की मांग कई दिनों से चल रही थी। अब इस 333 कोटि विस्तार परियोजना के लिए रास्ता खुला है। इस परियोजना के जरिए नरखेड़, वर्धा, रामटेक और भंडारा शहरों को जोड़ा जाएगा। इस रोड पर ब्रॉडगेज पर्यावरण के स्वरूप मेट्रो ट्रेन चलेगी। इस परियोजना पर 333 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनिल देशमुख ने यह भी बताया कि शहरी विकास विभाग ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की वित्तीय सहायता के रूप में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 21,30,00,000 रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है और इस तरह का आदेश गुरुवार को जारी किया गया था। काटोल नरखेड़ सड़क 85.53 किलोमीटर पर सबसे लंबी है और इसमें 11 स्टेशन होंगे। भंडारा सड़क 62.60 किलोमीटर लंबी है और इसमें भी 11 स्टेशन होंगे। वर्धा मार्ग 78.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें 8 स्टेशन होंगे। रामटेक मार्ग पर 8 स्टेशन है और यह मार्ग 41.6 किलोमीटर लंबा होगा। परियोजना इन सभी मार्गों के साथ कस्बों और गांवों को नागपुर से जोड़ेगी, जिसमें आम आदमी को लाभ होगा। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि वह परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नागपुर मेट्रोचा अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, पण हा नागपूर मेट्रोचा प्रकल्प कशा पद्धतीने आपल्याला नागपूर शहराच्या आजूबाजूला जी अतिशय महत्त्वाची शहर आहेत त्यांना जोडता येईल यासाठी हा नागपूर मेट्रोचा प्रकल्प विस्तारित करून नागपूर ते काटोल नरखेडला जोडण्याचा प्रकल्प, नागपूरपासून भंडाऱ्याला, नागपूरपासून वर्धा, नागपूरपासून रामटेक अशा या महत्त्वाच्या शहरांना जोडण्याचा हा नवीन विस्तारित प्रकल्प याला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे। हा प्रकल्प जवळजवळ 333 कोटीचा हा प्रकल्प आहे। आजच याचा पहिला हप्ता म्हणून राज्य शासनाने 23 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि हा प्रकल्प भारतातला पहिला ब्रॉडगेज मेट्रो प्रकल्प आहे आणि याच्यामुळे नागपूर शहर आजूबाजूच्या अतिशय महत्त्वाच्या शहरांना या ब्रॉडगेज मेट्रो प्रकल्पामुळे जोडलं जाणार आहे।